आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मी ओंकार अंडी, स्मार्ट ट्रस्ट आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी, ममता बनर्जी ने भारत गठबंधन को दिया बड़ा झटका। हनुमानगर स्थित स्कूल में स्मार्ट क्लास की पहल की शुरुआत। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को गणतंत्र दिवस। पांचवा बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन 18 फरवरी को। मारुति गली में दुकान में आग। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का संचालन किया गया। एपीएमसी में दिन दहाड़े 2 लाख की चोरी। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब, म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी ते टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा। तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, ते ही सर्वात कमी किमती। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। देश में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, भारत आघाड़ी और बीजेपी के बीच मुकाबला होने वाला है। हर कोई इस चुनाव को जीतने की तैयारी कर रहा है। क्या 16 अप्रैल को चुनाव होंगे, ऐसा सवाल उठता है, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग का एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल 2024 को होंगे। चुनाव आयोग का ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उधर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ये चुनाव आयोग द्वारा तैयारी के लिए एक अनंतिम तिथि है। बताया गया है कि चुनाव की शुरुआत और अंतिम तारीख तय करने के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की गई है। 16 अप्रैल को चुनाव होने की चर्चा शुरू होने के बाद चुनाव आयोग के सीईओ ने पोस्ट किया है। पत्र में दी गई तारीख संदर्भ के लिए है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने भारत गठबंधन को दिया बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के भारत गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलोरे की घोषणा की। ममता जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरह की चर्चा नहीं की है। मैंने हमेशा कहा है कि हम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। ममता बनर्जी ने कहा, हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। इस पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं इंडिया फ्रंट की सदस्य हूँ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से होकर गुजरेगी, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ऐसा उन्होंने कहा। हनुमानगर स्थित स्कूल में स्मार्ट क्लास की पहल की शुरुआत। नई तकनीक और उपयोग के कारण विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना, राज्यसभा का दावा है कि इससे मदद मिलेगी, ऐसा विचार सांसद ईराना कडाडी ने प्रकट किया। कडाडी ने मंगलवार को यहाँ हनुमाननगर के एक सरकारी प्राथमिक कन्नड़ स्कूल में स्मार्ट क्लास परियोजना शुरू की गई। उस वक्त पूर्व विधायक अनिल बेनके, डॉक्टर रवि पाटिल, नगर सेवक संदीप गिरमल, नगर समूह शिक्षा अधिकारी प्रभावती हिरेमठ, मुर्गेंद्र गौड़ा पाटिल आदि उपस्थित थे। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को गणतंत्र दिवस। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह सुबह 9 बजे जिला खेल मैदान में आयोजित किया गया है। अध्यक्षता कलेक्टर नितेश पाटिल करेंगे। महिलाएं और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, अशोक पट्टन, दिल्ली में कर्नाटक सरकार के विशेष प्रतिनिधि प्रकाश हुक्केरी मेहमान होंगे। इसके अलावा शाम 5 बजे कुमार गंधर्व रंग मंदिर में क्रांतिकारी संगोली रायण्णा के दहशत दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसकी जानकारी दी है। पांचवा बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन 18 फरवरी को।
अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद और मराठा मंदिर सांस्कृतिक भवन ने शिवजयंती के अवसर पर पांचवा बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है और रविवार 18 फरवरी 2024 को मराठा मंदिर में इस एक दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का समापन होगा। प्रदेश अध्यक्ष रवि पाटिल सूचित किया गया। इस समय डीबी पाटिल के फोटो स्टूडियो स्थित कार्यालय में आयोजित संगठन की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एवं सुधीर चव्हाण ने की। बैठक 3 सत्रों में करने का निर्णय लिया गया है और सुबह दत्त मंदिर से मराठा मंदिर तक ग्रंथ दिंडी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। मारुति गली में दुकान में आग। मंगलवार 9:30 बजे मारुति गली में सौंदर्य प्रसादन बेचने वाली स्टेशनरी की दुकान में आग लग गई। ये दुकान सत्कार होटल के सामने बेसमेंट में थी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की। खड़े बाजार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम का संचालन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बुधवार को स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों पर एक विशेष संवाद कार्यक्रम का समापन किया। इसमें बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। इसमें उपस्थित विशेषज्ञों ने लघु उद्योगों के बारे में मार्गदर्शन दिया। मेगा हेलमेट के निर्देशक दिलीप छिंदक ने उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन किया। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश कुलकर्णी, महेश्वर मराठे, रविराज कुलकर्णी ने भी व्यवसाय में विभिन्न मुद्दों के पहलुओं को समझाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद उद्यमी अजित कुमार पाटिल ने अपना अनुभव सुनाया। एपीएमसी में दिन दहाड़े 2 लाख की चोरी। एपीएमसी में कारोबार के लिए आए एक व्यापारी से बुधवार दोपहर 2 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई। इस संबंध में जानकारी है कि लोंढा के व्यवसायी राजू डिकोस्टा बुधवार को व्यापारियों को भुगतान करने के लिए 2 लाख रुपए लेकर एपीएमसी बाजार आए थे। उनकी निगरानी में बैठे चोरों ने उनके बटुए से 2 लाख रुपए नकद चुरा लिए। इस चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस सनसनीखेज घटना के बाद कारोबारी राजू डिकोस्टा ने एपीएमसी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जेसीबी से खेत में खुदाई करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए कोबरा सब की पहली सफल सर्जरी हो गई। महंतेश नगर में जानवरों की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों के लिए एक कठिन सर्जरी है। सांप के शरीर का पुनर्निर्माण करने के लिए 40 से अधिक टाके लगवाने पड़े। जब केतनूर गांव के सांप प्रेमी केतन राजा ने सांप को गंभीर रूप से घायल देखा तो केतन ने सांप को एक बक्से में डाल दिया और उसे महंतेश नगर के एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में ले गए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HB सन्ना की, डॉक्टर महादेव मुलाटी सहित डॉक्टरों की एक टीम ने एनेस्थेसिया देकर सांप की सर्जरी की। लिंगायत महिला सम्मेलन शनिवार से होगा। शनिवार को विश्व लिंगायत महासभा की बेलगाम शाखा द्वारा लिंगायत महिला सम्मेलन का आयोजन शिवबसव नगर के आर्यन शेट्टी पॉलिटेक्निक कॉलेज के बैठक हॉल में होगा। इसकी जानकारी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष बसवराज रोट्टी ने दी। श्री समादेवी को श्री राम के रूप में अवतार किया। अयोध्या में श्री राममूर्ति की स्थापना के उपलक्ष में सोमवार को श्री समादेवी संस्थान समादेवी गली एवं वैश्वाणी समाज बेलगाम की ओर से यहाँ श्री समादेवी की जागरूक भक्ति की गई। भगवान श्री राम के रूप में श्रृंगार किया गया। इस पूजा का पुरोहित का काम रामेश्वर भट्टी एवं गौतम भट्टी ने किया। जिला अस्पताल अधीक्षक पद डॉक्टर पल्लेत द्वारा स्वीकार किया गया। बेलगाम जिला अस्पताल के डॉक्टर इराना पल्लेत ने मंगलवार को चिकित्सा अधीक्षक का पद ग्रहण कर लिया। डॉक्टर पल्लेत ने कार्यभार संभाला। इस अवसर पर पूर्व महापौर विजय मोरे, शिवाजी सुनकर, पूर्व नगर सेवक अनिल पाटिल, श्रीधर पाटिल, भीमाना कोनी, संतोष ममदापुर, प्रकाश परंडेकर, उमेश पाटिल, निलेश शिंदे सहित बेलगाम के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस आयुक्त की अपील।
अयोध्या में श्री राम मूर्ति स्थापना के अवसर पर सोमवार को नगर क्षेत्र में आयोजित हुए कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि रात 10 बजे के बाद शहर में पथराव और पुलिस लाठीचार्ज की अफवाह फैलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें, ऐसी अपील पुलिस कमिश्नर SN सिद्धरामप्पा ने की। चिन्मय मिशन द्वारा कल से भगवद गीता पर प्रवचन श्रृंखला। चिन्मय मिशन सेवा ट्रस्ट द्वारा 25 से 31 जनवरी तक भगवद गीता पर व्याख्यान श्रृंखला होगी। मिशन का मार्गदर्शन दक्षिण अफ्रीका से स्वामी अभिदानंद जी महाराज करेंगे। गोपटे कॉमर्स कॉलेज के सभागार में प्रवचन श्रृंखला सादर होगी। भक्तों को इसका लाभ उठाना चाहिए, इसकी अपील की गई है। शिवाजी कॉलोनी में रंगोली प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण। कलाकारों को बढ़ावा देना ये विचार सराहनीय है, ऐसा विचार सेवानिवृत्त शिक्षक YP नाइक ने व्यक्त किया। उन्होंने तिलकवाड़ी स्थित शिवाजी कॉलोनी में रंगोली प्रतियोगिताओं के पुरस्कार समारोह में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर श्रीकांत फागरे, नगरसेवक आनंद चव्हाण, नंदू मिराजकर, उद्यमी महेश फागरे, यशोधन जैन, सागर भोसले, पवन कांबळे, संतोष दलवी, मनोज खांडेकर, मोहन पोटचले, प्रणय शेट्टी, विनायक थामणेकर, शिरीष चौगुले ने पुरस्कार वितरित किए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।